उजाला न्यूज़ हापुड़ में आपका स्वागत है। हापुड़ जनपद की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए उजाला न्यूज़ हापुड़ पर हमारे साथ। ब्रेकिंग हापुड़। बाबूगढ़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बाबूगढ़ पुलिस ने पकड़ी नकली गोल्ड स्टार जूते बनाने की फैक्ट्री। फैक्ट्री से अनुमानित 12 लाख के नकली जूते बरामद हुए। बाबूगढ़ पुलिस ने चेकिंग में दो जालसाज को किया गिरफ्तार। बाबूगढ़ थाना प्रभारी सोमवीर सिंह की टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़े 181 बोरे में 5,430 नकली जोड़ी नकली गोल्ड स्टार के जूते। भारी मात्रा में जूते बनाने के उपकरण 4,460 अधबने जूते के साथ दो जालसाज को किया गिरफ्तार। पकड़े गए जालसाज नकली गोल्ड स्टार के जूते बनाकर कंपनी को लगा रहे थे चूना। आपको बता दें कि बाबूगढ़ थाना प्रभारी सोमवीर सिंह तेज तर्रार इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने आते ही नकली जूते बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, इसमें दो शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। दोनों जालसाज हापुड़ के रहने वाले हैं, जबकि दो जालसाज फरार हो गए हैं। एएसपी सर्वेश मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। एक फर्जी जूता बनाने की एक कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है। ये गोल्ड स्टार ब्रांड के नाम से ये जूता बनाते थे। जैसा कि आप सारे लोग अवगत हैं कि ये नेपाल में ये ब्रांड बनता है, यहाँ पे फर्जी तरीके से उस ब्रांड का दुरुपयोग करते थे ये। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है काफ़ी मात्रा में हुई, करीब 5,500 बने हुए जूते हैं और करीब 4,500 अधबने जूते हैं। इनमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हेमराज और गुलाब सिंह की, और दो इसके जो मालिक हैं प्रवेश और हर्षित सूरी, ये अभी फरार चल रहे हैं। ये करीब 180 रुपये इनकी कास्ट आती थी और इसको ये 350 से 400 रुपये में बेचते थे। इस प्रकार ये करीब 150 से 200 रुपये प्रति जूते ये लाभ अर्जित करते थे। एक बहुत ही अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। निश्चित रूप से इनके द्वारा लाखों में अवैध धन इससे अर्जित किया गया है। इसके हम लोग अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराएंगे। बालाजी की यात्रा को श्रद्धालु रवाना। कुचेसर रोड चोपला में से 35 श्रद्धालु बृहस्पतिवार को मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के लिए हुए रवाना। 13 सालों से यह कार्य श्रद्धालु लगातार कर रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ स्थानीय SDO प्रभव हरित और उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि अब से पूर्व श्रद्धालु पैदल ही या बालाजी की यात्रा के लिए जाते थे, लेकिन अब बाइक गाड़ी से जाते हैं। यह यात्रा 2 दिन की होगी। यात्रा में पंडित मोहन कुमार शर्मा, कन्या कल्याणपुर वाले सुंदरपाल, संकेत शर्मा, हार्दिक शर्मा, अमन त्यागी, अमित शर्मा, सुधीर चौधरी, अक्षय कुमार, अमरपाल सिंह, आशु ठाकुर, कर्ण सिंह त्यागी, विपिन, आशु, राहुल, राजकुमार आदि मौजूद रहे। थाना बाबूगढ़ प्रभारी सोमवीर और बहादुरगढ़ थाना अध्यक्ष नीरज कुमार SOG2 की संयुक्त पुलिस टीम ने पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया सहित 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, 3 तमंचे में कारतूस और दो अदद मोबाइल फ़ोन बरामद। आपको बता दें कि हापुड़ SP संजीव सुमन के निर्देश पर हापुड़ पुलिस ने टॉप 10 अपराधी और इनामी अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके निर्देशन में बाबूगढ़ थाना प्रभारी सोमवीर सिंह की चेकिंग के दौरान 25,000 इनामी से हो मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 इनामी फारूक थाना कुंडा को पैर में लगी गोली, जबकि दो उसके साथी गिरफ्तार हुए। थाना बहादुरगढ़ SOG2 की संयुक्त पुलिस टीम ने वाहन चोर कर नंबर प्लेट पार्टस बदलकर भोले भाले लोगों को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशानदेही से 17 अदद चोरी की मोटरसाइकिल कीमत लगभग 5 लाख रुपए बरामद। पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। अंत जनपदीय
3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर हापुड़ गाजियाबाद मेरठ से हुई चोरी की 17 बाइक की बरामद। थाना बहादुरगढ़ गांव सलाहपुर तिराहे का मामला। सर ये बाइक चोर का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला, कितने वाहन बरामद हुए, कितने वाहन चोर हुए? एसओजी 2 जिले के एसओजी 2 टीम और बहादुरगढ़ थाने की टीम ने संयुक्त रूप से जॉइंट ऑपरेशन में 3 लोग गिरफ्तार किया है और इनसे 17 गाड़ी की बरामदगी हुई है। 17 वाहन चोरी के हैं। इसमें कुछ वाहन ऐसे हैं जिनमें इन्होंने इंजन ही चेंज कर दिया है या पूरे चेसिस चेंज कर दिए हुए हैं। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट करता है, किसी से भी गाड़ी को सस्ते दामों में लेकर के उसके इंजन्स निकाल करके दूसरी गाड़ी में फिट कर देते हैं, तो और उसके मतलब पेपर्स भी तैयार हो जाते हैं। तो इस गैंग पे काबू करने में 17 बाइक सिक्योर की हैं लोग और भी बाइक सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से 2-4 चोरी हुए वाहन करीब भी हो गए हैं मेरठ थाने से। अन्य बाइक्स के बारे में तस्दीक किया जा रही है कहाँ से चोरी गई और इसके बाद अगर कार्रवाई की जाएगी। वाहन पे जो पुर्जे हैं वो पुर्जे निकाल कर दोनों तरह की कार्य होते थे। कई बार अगर बहुत ही रूरल एरियाज में अगर इनको डिलीवर करते हैं तो कई बार नॉर्मली सिर्फ नंबर चेंज करके दे देते हैं, लेकिन कहीं अगर कोई समझदार कस्टमर अगर उनके पास होता है तो उनको वैसी बाइक देते हैं जिनके इंडियन नंबर्स चेंज हो या नंबर्स चेंज हो, उसके माध्यम से फिर वो गाड़ी के लिए कहें तो एक नंबर चेंज होती है। किसी गाड़ी की पहचान मुख्यतः उसके इंडियन नंबर और चेसिस नंबर से ही होती है। बरामद क्या है? 17 गाड़ियाँ बरामद, 17 बाइक्स बरामद हुई हैं। हम लोग और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग विश्वास है कि हम लोग कुछ ना कुछ और बाइक्स मिलेंगे। थैंक यू।